नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है बहन जी आपका? जी अनीता। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? जी जज्जर से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने 2003 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी भक्ति साधना करते थे जी, दुर्गा जी की पूजा करते थे और मतलब पूरे नवरात्रे वगैरह सब करते थे, अखंड जोत जलाते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने मुझे नाम दीक्षा दी थी और हमारी शादी करवाई थी बिना दहेज। उस टाइम मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ जी, मुझे बहुत से लाभ प्राप्त हुए। जैसे कि मेरे बेटा था, उसकी नाड़ पे एक मतलब दांत था, वो मतलब दवाइयों से भी नहीं जा रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज से उसको नाम दिलाने के बाद वो दांत ठीक हुआ। और मेरे बेटे को कब्ज़ थी जो कि 3 महीने का था, तभी से उसको कब्ज़ थी और उसकी कब्ज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही थी। हर एक डॉक्टर को दिखाया लेकिन हर एक डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसकी कब्ज़ ठीक नहीं हो पाएगी और हमेशा पूरी ज़िंदगी से मतलब दवाइयों के सहारे रहना पड़ेगा और उससे मतलब कि अपना करना पड़ेगा। लेकिन मैंने परमात्मा से प्रार्थना लगाई, अरदास लगाई, संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, हे परमात्मा मेरा बच्चा बहुत परेशान रहता है और मैं इसको ऐसे परेशान नहीं देख सकती, परमात्मा दया कीजिए। और मालिक ने ऐसी दया की कि आज मैं उन डॉक्टरों से जाके कहती हूँ, मगर देखो आपने तो ये मना कर दिया था कि मेरे बच्चे को कभी आराम नहीं होगा और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा, दवाइयों के सहारे ही चलेगा। आज देखो मेरा बच्चा 2-2 बार फ्रेश होता है, बिल्कुल ठीक रहता है और बिल्कुल नॉर्मल है आज। और जी मुझे ये लाभ हुए, मेरे दोनों गुर्दों में पथरी थी और मतलब इतना दर्द रहता था कि 5-5 दिन एक एक हफ्ता निकल जाता था उल्टियाँ लगनी और मतलब कि बिल्कुल भी आराम नहीं हो पाता था। मैंने दवाई भी कई जगह ली लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से अपना अरदास लगाई, प्रार्थना की, तो आज मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई पथरी नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे बवासीर भी थी, खूनी बवासीर थी जिसमें मैं इतनी परेशान रहती थी, ना मैं घर का काम कर सकती थी, ना मैं अपने बच्चों को पाल सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। आज वो भी मेरी बिल्कुल ठीक है और उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पति जो कि बहुत ज़्यादा नशे करते थे, सुबह शाम नशे करते थे और तकरीबन और भी जो नशे होते वो भी करते थे, घर में कलेशबाजी, मारना पीटना बहुत ज़्यादा वो था, उनमें भी इतना परिवर्तन आ चुका है कि वो इतनी भक्ति करते हैं, इतनी मतलब कि सेवा करते हैं और उनके सभी नशे छूट चुके हैं। ये भी सब संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ है। आप ये मेरी रिपोर्ट देख सकते हैं, ये रिपोर्ट है जिसमें मेरे दोनों गुर्दों में पथरी थी, उसके बाद अब मेरे कोई पथरी नहीं है और ये मेरी जिसमें कोई पथरी नहीं है उसमें है। आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, मुझे कोई पथरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से, उनका नाम लेने से, उनका मंत्रों का जाप करने से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बिना ऑपरेशन के मेरी बीमारी है जो बिल्कुल ठीक है और डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल रखा था कि भाई ऑपरेशन के बिना ये नहीं होगी, क्योंकि हो जाती थी, निकल जाती थी और मतलब दिक्कत रहती थी। आज बिल्कुल मैं 3 साल हो गए हैं, मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी मेरे पति हैं वो गाड़ी चलाते हैं, हमने वो गाड़ी किस्तों पे निकलवाई हुई है और वो गाड़ी निकलवा रखी थी तो उसकी किस्त जाती है हर महीने, लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे पास किस्त देने के लिए पैसे नहीं थे और भगत जी मेरे पति बोले कि अब कैसे क्या करेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं और किस्त आ गई है और किस्त टूट जाएगी तो क्या होगा। तो कुदरती ऐसा हुआ कि हमारे जो बैंक में उसमें कुल 400 या 500 रुपए थे और 10,000 रुपए एडवांस उसमें मिले और हम जब किस्त भरने गए तो वो बोले हमसे कि आपकी तो भैया किस्त जमा हो चुकी है। हमें एक ये परमात्मा से ये फ़ायदा हुआ कि परमात्मा ने हमारी किस्त भरी गाड़ी की। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? जी संदेश तो मैं क्या दूंगी, मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती हूँ कि ये संत रामपाल जी कबीर परमात्मा का रूप आए हुए हैं, आप आए इनसे दीक्षा प्राप्त कीजिए और अपना कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करने के लिए 7:30 और 8:30 के बीच में सत्संग आता है साधना चैनल पे, वो सत्संग देखिए, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पे नंबर दिए गए हैं, उन पे आप संपर्क कर सकते हैं
और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब।